अच्छी, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज है मायन और आज भीकी पड़ेगी। तो यूपी के जो लोग होंगे उनको पता होगा भीकी पड़ना किसको बोलते हैं, जो तेल के अगले दिन होता है ना, लड़का खड़ा होता है और सब लोग आ करके ना उसको भिक्षा देते हैं, उसको भीकी बोलते हैं हम लोग की तरफ। और हो सकता है मे भी हर जगह कुछ अलग अलग बोलते होंगे। और देखो अभी तो पूजा हो रही है, ये देखो अभी लड़के की पूजा हो रही है, लड़के मीन्स दूल्हे की पूजा हो रही है। और आप भी नीली पहनी है, ये देखो हमारी चाची जी भी पीली साड़ी पहनी हुई है। और पता नहीं क्यों कल हल्दी फंक्शन था, कल ही पहनी थी, आज पहनी। अच्छा, आपने कल पीली नहीं पहनी थी? नहीं पहनी थी, तो आपने उल्टा कर दिया। चेंज नहीं किया था यार, बच्चों के मारे जानती है, आज तो सुबह से चेंज करके बार बार चेंज नहीं कर पा रही ना। पहले तो करती थी। कहाँ है दोनों? दोनों नीचे, मैं अभी नीचे जा रही हूँ। अब हम लोग चलते हैं नीचे भीखे डालने के लिए। देखो देखो क्या क्या सामान भाभी लोग ले रखी है। ये देखो इसमें आटा है, ये पापड़ी है, और ये वड़ी है, और ये दाल चावल, ये रानी भाभी की पोटली है। और ये पैसे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो जितना आपको लेना हो। और भाभी ने टॉवेल भी ले रखी है डालने के लिए, क्योंकि कोई कपड़ा डाला जाता है तो या तो शर्ट दे दो, या तो टॉवेल दे दो, या तो हैंकी दे दो, कुछ भी दे दो। तो अभी हम लोग अब नीचे चलते हैं। सबको चलिए निकलिए निकलिए निकलिए, इन लोग को पहले मैं निकाल देती हूँ आगे। एक चलिए आप लोग निकलिए। हाय हाय ये घूंघट, वाह, चलिए 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 घूंघट देख रहे हो। तो अभी अब हम भी चलते हैं, मैं गाना गाने लगी। और मैंने अभी अपना फुल लुक नहीं आप लोग को दिखाया, एक बहू रानी और आ गई। चलो 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 नीचे जाओ, इतनी सारी बहुएं हैं ना यहाँ पर। अभी यहाँ पर मैं अपनी पूरी फैमिली को दिखा रही हूँ। तो भाभी लोग अभी सबसे पहले भीखे डाल रही हैं, मतलब मम्मी चाची लोग सब डाल दिए हैं और अभी भाभी लोग डाल रही हैं। और इनके डालने के बाद फिर हम लोग डालेंगे, हम सारी बहनें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बड़ी वाली दीदी लोग डालेंगी, फिर हम लोग डालेंगे। तो हमारे यहाँ ना कुछ इसी तरीके से होता है, जो बड़ा होता है वो सबसे पहले करता है, फिर उसके बाद जो छोटा होता है, जो छोटा होता है, ऐसे ऐसे ना नंबर बाई नंबर सब करते हैं सारा काम। तो बस अभी भाभी लोग ही डाल रही हैं
हैं। और काफ़ी ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि बहुत कभी कभी बीच बीच में ना उलझन सी होने लगती थी। जब जैसे गांव की भी बहुत सारी लेडीज आ जाती थी ना, तो समझ में नहीं आता था कि यार कहाँ पे कैमरा घुमाओ, कहाँ पे वीडियो बनाओ और किस किस का बनाओ। ऐसे ना बहुत कई बार ना कन्फ्यूजन हो जा रहा था, लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा भी लग रहा था। और इसीलिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सबको दिखाऊँ खुद को। मैं तो मतलब मुझे आप लोग देखते ही रहते हो, और मेरे फैमिली मेम्बर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और अभी जब मैं मेरठ चली जाऊँगी तो फिर तो ऑल टाइम मुझे ही आप लोग को देखना है। और ये देखो अभी मेरी दीदी भी आ गई हैं, तो अब हम बहनों का नंबर भी लग गया है, अब हम सब लोग डालेंगे। और ये अभी आप लोग को मैं दिखा दूँ, यहाँ पर सारी भाभियाँ पोज दे रही हैं, सबकी फ़ोटो खींच रही थी। और वॉइस ओवर मुझे इसलिए करना पड़ रहा है ना क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ हो गई थी ना कि मेरी आवाज़ कहीं खो गई थी, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना सारी भाभियाँ। अब अभी हम लोग जा रहे हैं बरुआरी साई में, आप लोग को दिखा दूंगा। देखो पीले में पीला बिट्टू चप्पल ये मराही आगे तो और मराही दाई ये लटकी कर रहे हैं भाई। तो और कहती है मैं मत दिखा ऊपर से कहां का बिट्टू का वहां सा। हां चलो चलो चलो, अरे भाई याद लेंगे और चलते हैं अभी हम लोग मंदिर, बाहर मंदिर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अभी कितनी दूर जाते हैं। लेकिन आज ये अपनी दुल्हन को छोड़ छोड़ ऐसा बोल रहा था आगे आगे वो बेचारी पकड़ के पकड़ के परेशान हो गई।
चेंज करूं, ये सब उतारूं, बहुत हैवी हैवी लग रहा है। और देखो जो मैंने नेल्स लगा रखी थी, ये देखो मैंने सब निकाल लिया है, तो अगली बार के भी काम आएंगे। तो अभी मैं इनको अच्छे से रख दूंगी, जैसे रखे हुए थे ना वैसे ही रख दूंगी ना, तो अभी ये चल जाएंगे, दो चार बार तो एटलीस्ट चल ही जाएंगे, और देखती हूँ कितने बार चलते हैं। बट फिलहाल अभी मैं इनको अच्छे से रख दूंगी। और इनमें यही तो फायदा रहता है ना कि आप एक बार की जगह कई बार लगा सकते हो। और मैंने पिन भी निकाल दिया था साड़ी का, लिटरली इतना ज्यादा थक गया ना कि अभी मन कर रहा है ना बस बहुत सारा पानी पीऊं और चुपचाप बैठ जाएं। बट अभी बैठना नहीं है क्योंकि शादी वाला घर है और कल तो बारात ही है, तो आज ही जो मस्ती करना है कर लेंगे, अदरवाइज फिर तो सबको अपने अपने घर जाना है और अपने अपने घर में सोना ही है। और सो करके ना मतलब सड़ते रहना है घर में, सब लोग अकेले अकेले अपने अपने घरों में रहते हैं ना, तो फिर सब बोर ही होते रहते हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है ना, तो कोई कहाँ बाहर ज़्यादा जाता है। वैसे तो अभी सभी निकलने लगे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं रह गया है, बट फिर भी फैमिली जब साथ में रहती ना तो अलग ही बात होती है। जो फैमिली वाली कमी होती ना वो कोई नहीं पूरा कर सकता है, फैमिली ही पूरी कर सकती है। तो अभी मन कर रहा है ना बस ये जो मोमेंट चल रहे हैं ना ये चलते ही रहें, बट चलते नहीं रहेंगे, ख़त्म भी होंगे। और अभी तो मतलब आज ना बीचों बीच वाला है, मतलब आज मायन है ना, तो कल बारात होगी और विदाई, शादी खत्म हो गई। तो कितना ना मतलब 3-4 महीने पहले से ऐसे होता है ना कि शादी आ रही, ये भी लेना वो भी लेना, ऐसा करना है वैसा करना है, और 2 दिन में शादी हो करके चली भी जाती है, यादों में बस रह जाती है। बट हमारा तो ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं ना तो उसको देख देख करके इंजॉय करेंगे। बाद में जब मैं मेरठ पहुंच जाऊंगी ना तो वहां आराम से लेट करके कम्बल के अंदर फिर अपने सारे वीडियो देखूंगी और इन्जॉय करूंगी, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, ना मैं अपना ही वीडियो देखती ना मैं किसी का भी वीडियो नहीं देखती। इवन यूट्यूब खोलना भी बहुत मतलब रेयर टाइप का हो जाता है, वैसे तो रहता है खोलती रहती हूँ हर आधे एक घंटे में, बट अभी नहीं खोल पाती हूँ। और बड़ी मुश्किल से वीडियो एडिट करके बस अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग वेट करते हो ना, तो इसलिए ज़्यादा वेट नहीं करा सकती आप लोग को, तो डाल देती हूँ। और अब अभी मैं नीचे जा रही हूँ चेंज करके, तो कितनी सारी मैंने बातें कर ली ना यहाँ बैठ करके। और देखो सबके बैग दिखा दो आपको, कितने सारे नंबर से बैग लगे हुए हैं ना, और यहीं पर ना हम लोग रात में यहीं गद्दे डाल लेते हैं और सब लोग यहीं सो जाते हैं। तो हमारी और बड़ी मम्मी वाली मतलब फैमिली पूरी हम लोग इसी रूम में रहते हैं, और रात में इतनी ज़्यादा मस्ती करते हैं ना कि हम लोग एक एक दो दो बजे तक जग करके बातें सातें करते रहते हैं, फ़ोन से भी होती है, बट जो फेस बाय फेस बात करने का मज़ा होता है ना उसका किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो चलो ठीक है, मेरी बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अभी मैं वीडियो एंड करती हूँ। तो अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो एक लाइक कर देना, न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे हाथ में ये तो बाय बाय नहीं कर सकती, तो चलो बाय बाय।